मनुष्य का मन बहुत ही चंचल होता है, इसीलिए कभी कभी कुछ नया कार्य प्रारंभ करने से पूर्व हमारा मन संशय से घिर जाता है और ऐसे समय में हम प्रयास करने से पीछे हट जाते हैं। और इन सब का कारण है स्वयं पर अविश्वास, दृढ़ निश्चय की कमी। हम जिन्हें ऊंची दृष्टि से देखते हैं, जिन्हें अपना आदर्श मानते हैं, उनके जीवन में गहराई से देखिएगा, केवल एक ही अंतर पाएंगे, निश्चय का अंतर। ये निश्चय ही है जो हमारी प्रतिभा को धार देता है, हमारे प्रयासों को शक्ति देता है। ये निश्चय का अंतर ही तो है कि एक मनुष्य सागर की गहराई में जाकर मोती ले आता है और दूसरा हार मानकर किनारे पर बैठ जाता है। तो हार तब नहीं होती जब आपका प्रतिद्वंदी आपसे जीत जाए, हार तब होती है जब आप ना लड़ने का निश्चय कर लेते। इसीलिए यदि मार्ग बंद हो जाए तो उसे खोलने का प्रयास करो, और यदि मार्ग ना खुला तो भी अपने प्रयासों से नया मार्ग बना लोगे। मैं तो पहले से ही इस खेल के विरुद्ध था, परंतु तुम अगर नियमों का पालन नहीं करना चाहते तो इस क्रीड़ा को समाप्त समझो। युधिष्ठिर सम्राट हैं और आप युवराज हैं कुमार, आप दोनों का पद और संपत्ति समान नहीं है, इसलिए दाव केवल उस पर खेला जाए जिस पर आपका अधिकार हो। सत्य कह रहे हैं महात्मा विदुर, और मैं इनके कथन का समर्थन करता हूं। परंतु दुर्योधन, अरे इतने महान विद्वान प्रकांड पंडित नियम बना रहे हैं तो हमें स्वीकार है। मामा, इन सबको इन्हीं के नियमों में बांधेगा तुम्हारा मामा आज। स्वीकार है महामहिम, हमें आपके सारे नियम स्वीकार है। परंतु क्या गंधार राज, मुझे भी कुछ नियम चाहिए। पहला, द्यूत क्रीड़ा कब रोकी जानी है इसका निर्णय दोनों खिलाड़ी परस्पर विमर्श से करेंगे और सभा में उपस्थित कोई भी व्यक्ति द्यूत को रोकेगा नहीं। मुझे शकुनी के इस नियम में कोई आपत्ति दिखाई नहीं देती, स्वीकार है। धन्यवाद महाराज। और हाँ, और एक बात, यहां जिस भांति नियम बनाए गए उससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि महानुभाव के मन में यह विश्वास बैठा है कि मैं यहां कोई छल करूंगा। इसीलिए मैं चाहता हूं कि जब तक द्यूत क्रीड़ा चलेगी सभा स्थल को छोड़कर कोई नहीं जा पाएगा। कोई भी नहीं। तो कहिए सम्राट, स्वीकार है आपको? स्वीकार है। ठहरो, अभी नहीं।
मेरे नियम अभी समाप्त नहीं हुए हैं गंधार राज। आदेश कीजिए महामहिम। इस सभा में स्त्रियां प्रस्तुत नहीं होंगी। ये कैसा नियम है महामहिम? सम्राट खेल रहे हैं तो साम्राज्ञी का यहां होना आवश्यक है। ये सारा मनोरंजन उन्हीं के लिए तो हो रहा है। परंतु मनोरंजन के साथ साथ द्यूत कभी मन की निराशा का कारण भी बन जाता है। बिल्कुल ठीक कहा महामहिम ने। और वैसे भी शास्त्रों के अनुसार एक स्त्री केवल और केवल अपने पति के साथ ही चौसर खेल सकती है और किसी के साथ नहीं। और यदि ऐसा ना हुआ तो मैं सर्वप्रथम इसका विरोध करूंगा। ठीक कहा गुरुद्रोण ने। जुए में लाभ हानि जय पराजय होती ही है और हानि का सबसे अधिक दुख स्त्रियों को होता है। जब ये मनोरंजन के कारण है तो किसी को दुख क्यों दिया जाए। ठीक है महामहिम, अब गंगा पुत्र ने नियम बनाए हैं तो मानने तो होंगे ही। ये भी नियम स्वीकार है। स्वीकार है दुर्योधन। परंतु महामहिम, ये चौसर का खेल बहुत लंबा है और मेरे प्रिय भीम को बहुत भूख लगती है और मुझे प्यास, और यहाँ इतने अतिथि गण भी उपस्थित हैं, तो मेरा निवेदन है कि भले ही राज स्त्रियां सभा में ना आए परंतु दासियों को यहाँ आने की और स्वामी की सेवा करने की अनुमति मिलनी ही चाहिए। ठीक, दासियों पर यह नियम लागू नहीं होगा। मेरा भी एक निवेदन है सम्राट। मेरी ओर से पासे मामाश्री फेंकेंगे। क्यों दुर्योधन, पराजय से भयभीत हो? नहीं दादा भीम, मैं सम्राट की विजय से भयभीत नहीं, परंतु क्या करूं, इस समय मेरे हाथ पासे फेंकने के सक्षम नहीं। और यदि मैं हार गया तो भ्राता युधिष्ठिर को लगेगा कि मैं उनके सम्मान में हार गया। परंतु क्या द्यूत में यह नियम है कि पासे कोई और चले? अर्जुन, क्या है, ये नियम नहीं है, ये खिलाड़ी का अधिकार है जो दुर्योधन ने उपयोग किया। जैसे युद्ध में नहीं होता, लड़ते सैनिक हैं, पर विजय पर अधिकार किसकी होती है? राजा की। और फिर दुर्योधन तो केवल निवेदन कर रहा है अर्जुन। अब सम्राट की इच्छा कि वो अपने अनुज दुर्योधन का निवेदन स्वीकार करते हैं या नहीं? स्वीकार। धन्य हो सम्राट, धन्य हो। सम्राट का मन इंद्रप्रस्थ जैसा ही विशाल है। बैठिए, बधाइए।
अब मेरा राज स्त्रियों से निवेदन है कि वो अंतःपुर की ओर प्रस्थान करें। खेल प्रारंभ करें। पहले ही चाल में पाव बारा। प्रतीत होता है कि भाग्य भी चक्रवर्ती सम्राट के अधीन है। भाग्य तो पलट गया, इस बार दुर्योधन आगे निकल गया। यह द्यूत एक छल है सम्राट युधिष्ठिर। और गांधार राजद्यूत में आपका सब कुछ छीन लेना चाहते हैं। कर्ण, ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ महाराज, इस समय चौसर पर आपका पुत्र और मेरा मित्र नहीं, गांधार नरेश शकुनी का भांजा दुर्योधन बैठा है। कर्म के अपने फल होते हैं मित्र, हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है।
हम वही काटते हैं जो हमने बोया है। और तुम कुछ ऐसा मत बो देना मित्र जिसका दुष्परिणाम भविष्य को काटना पड़े। सच्चा मित्र सिर्फ वो नहीं होता जो हर मार्ग पर आपके साथ चले, बल्कि सच्चा मित्र वो होता है जो आपको कुमार्ग पर चलने से रोके। अद्भुत अंगराज, अद्भुत! अपने मित्र के विरोध में जाने को तुम मित्रता कहते हो? मित्रता का वृक्ष विश्वास, प्रेम और समर्पण की भूमि पर लगता है। आप केवल छल करना जानते हैं गांधार राज, और उस छल से अनेक शत्रु उत्पन्न करना जानते हैं। और इस समय भी आप छल से पांडवों का सब कुछ छीन लेना चाहते हैं। छल से पांडवों का सब कुछ छीन लेना चाहते हैं। वाह अंगराज वाह! अब मैं इसे क्या कहूं, महान मित्रता या फिर सबसे बड़ा मिथ्या आरोप? ध्यान से देखो इस चौसर को अंगराज। सम्राट युधिष्ठिर दुर्योधन से सब कुछ जीतने से केवल एक पग दूर है। तुम्हारा ये परम मित्र दुर्योधन अपना सब कुछ हारने की सीमा पर खड़ा है, और तुम मुझ पर और दुर्योधन पर छल का आरोप लगा रहे हो। ये कैसा मित्र बनाया है तुमने? मित्रता ही तो निभा रहे हैं अंगराज, वो नहीं चाहते कि उनका मित्र सब कुछ हार जाए। इसलिए ये दांव खेल रहे हैं। गांधार राज, ये क्या कह रहे हो तुम? इस भांति राजसभा में आकर किसी पर लांछन लगाना सही बात नहीं है अंगराज। यहां सबके समक्ष खेल हो रहा है, कोई छल नहीं हुआ है। अब प्रलाप बंद कीजिए और शांति से अपना स्थान ग्रहण कीजिए। यहां मुझ पर सबसे बड़ा उत्तरदायित्व है मेरे दुर्योधन को इस हार से बचाना। जाइए। सम्राट, खेल प्रारंभ किया जाए। बधाई हो जेस, बधाई हो, आप विजयी हुए। अब बताइए अंगराज, क्या ये छल है? मेरी बात समझो मित्र, मैं जानता हूं कि आगे क्या होने वाला है। मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं मांगा, परंतु आज मांग रहा। इस खेल को रोक दो, तुम्हारा प्रतिशोध लिया जाएगा मित्र। मैं लूंगा तुम्हारा प्रतिशोध, परंतु युद्ध भूमि में
सकती हूँ क्रीड़ा में नहीं। मैं वचन देता हूँ मित्र कि संसार की सारी संपत्ति विजय करके तुम्हारे चरणों में रख दूंगा। बस इस खेल को रोक दो मित्र।